नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल के संडे स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा वादा किया था, आज बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ क्यों छोड़ा, यानी महागठबंधन से वो क्यों निकले, ऐसी क्या बात हो गई थी, क्या उनको ऐसा पता चल गया था या क्या ऐसी घटना होने वाली थी जिससे वो उन्होंने ये तय कर लिया कि महागठबंधन, जिसको दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत मिला था 2015 में, डेढ़ साल में ही उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो उस घटना की और उस खास जानकारी की जो नीतीश कुमार को मिली, जो संदेश मिला, वो क्या था, उसकी बात करेंगे। उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। 2014 से पहले क्या हुआ, बीजेपी के साथ कैसे संबंध टूटा उनका, और वो उस बात को अभी आज छोड़ देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ बिहार में। जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ा, आरजेडी अलग लड़ी और बीजेपी अलग लड़ी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था वो पहले ही टूट चुका था। नतीजा जब आया तो नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली लोकसभा की, और ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। पार्टी के अंदर और बाहर पार्टी के भविष्य को लेकर जो है वो चर्चाएं होने लगी, चिंता होने लगी कि अकेले रहकर कब तक सरवाइव करेंगे। लालू प्रसाद यादव से संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ वापस जा नहीं सकते, बीजेपी से संबंध तोड़ लिया, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, 2005 से लगातार सरकार चल रही थी और जनता का समर्थन भी बढ़ता जा रहा था। तो नीतीश कुमार को ये बात समझ में आई कि उनके खिलाफ माहौल बन रहा है पार्टी के अंदर और दबाव बढ़ता जा रहा है उन पर। तो उन्होंने, वो बहुत चतुर राजनेता है, वो जानते हैं, समय की चाल को पहचानते हैं। दूसरी खासियत नीतीश कुमार की ये है कि पॉलिटिक्स के लिए, खासतौर से व्यवहारिक राजनीति के लिए जो जरूरी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो उनमें बहुत है। समय के अनुसार लचीलापन, समय के अनुसार, जिसको उनके विरोधी पलटू राम की संज्ञा देते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि कब झुक जाना है, कब तन जाना है, ये वो खुद तय करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक एक जो है हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि भाई हार की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री का चुनाव करते हुए भी उनकी नज़र में अपना सोशल इक्वेशन जो भविष्य के लिए बनाना चाहते थे, दलित, मतलब महादलित और अति पिछड़ा, उसके साथ कुछ मुसलमान वोटर और कुछ दूसरी जातियों का जो समीकरण वो बनाना चाहते थे, उसी के तहत जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, ये समझ कर कि कमज़ोर व्यक्ति हैं, ये हमारे कहे में रहेंगे। तो जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की और वो नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनने या यस मास्टर होने से उन्होंने मना कर दिया। ये नीतीश कुमार के लिए समस्या की बात हो गई। हुआ ये कि एक तरह का टकराव शुरू हो गया नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में, कि जो नीतीश कुमार चाहते थे जीतन राम मांझी उससे अलग करने लगे। तो समय आ गया था कि उनको हटाया जाए। नीतीश कुमार ने फिर जो है पैतरा बदला और फरवरी 2015 में उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। यानी एक साल से भी कम समय जो है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, ये टाइम वेस्ट करने से नुकसान आगे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 2015 में ही नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला था और उनको आगे की रणनीति तय करनी थी। इसके लिए ज़रूरी था कि वो मुख्यमंत्री भी रहे और पार्टी पर उनका कंट्रोल भी रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है, उनको एक बात समझ में आई कि बीजेपी से तो मेल मिलाप का भी कोई सवाल नहीं है, उनको जाना पड़ेगा लालू प्रसाद यादव के पास, और लालू प्रसाद यादव को भी ज़रूरत थी नीतीश कुमार की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का वोट बेस लगातार खिसक रहा था। जो उनका MY समीकरण था उसके अलावा उनके पास अतिरिक्त वोट नहीं आ रहे थे। उनके विधानसभा में और लोकसभा में सदस्यों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। अगर 2015 का चुनाव RJD हार गई होती तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती। तो दोनों की जरूरत थी। एक दिन नीतीश कुमार घर से निकले
शायद पहले से बात करके गए थे, गए और लालू प्रसाद यादव से मिले। दोनों में क्या बात हुई ये तो मालूम नहीं, किसी को ना नीतीश कुमार ने बताया मुझे लगता है अभी तक, ना लालू प्रसाद यादव ने, उनके परिवार के लोगों को मालूम होगा। और दोनों की मुलाकात हो गई और उसमें तय हुआ कि साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी, समझौते की बात चली और आखिर में महागठबंधन का स्वरूप वहां से तय हुआ, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों को शामिल करके एक महागठबंधन बना बीजेपी के खिलाफ। उस महागठबंधन को क्या हुआ बीच में वो सब छोड़ दें कि कौन सा मुद्दा बना, कौन किस तरह से बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली आरक्षण का मुद्दा उठाकर, उस पर बयान देकर, वो सब अभी छोड़ देते हैं। हुआ ये कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिला और बीजेपी की बड़ी करारी हार हुई, लेकिन बीजेपी को पूरे विपक्ष का स्पेस मिल गया। ये इस दृष्टि से बीजेपी को इतना ही फायदा हुआ तो सरकार चलने लगी। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे मंत्री बन गए, एक तेजस्वी यादव जो छोटा बेटा था वो उप मुख्यमंत्री बन गया और सरकार चलने लगी। सरकार चलना शुरू हुई तभी नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि ये वो सरकार नहीं है जो वो बीजेपी के साथ चलाते थे, जहां वो गठबंधन की सरकार होने के बावजूद सर्वे सर्वा थे। वो बीजेपी के नेताओं की, खासतौर से प्रदेश नेताओं की, उन्होंने कभी न सुनी न परवाह की। उनका संबंध सीधे केंद्र के नेताओं से था और उन्हीं से वो डील करते थे, उन्हीं से बातचीत करते थे। प्रदेश की भी जो समस्या थी वो वहीं से हल करवाते थे। प्रदेश के नेताओं को उन्होंने कभी विश्वास में लेकर कोई समस्या का हल करने या ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो ये उनको समझ में आया कि थाने बंटने लगे, जिले बंटने लगे, तो उनके लिए थोड़ा स्थिति असहज हो गई। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था उस समय कि अगर ये इसका विरोध करते तो जाते कहाँ। उनको लग रहा था कि इसी तरह से धीरे धीरे 2020 तक चल जाएगा, उसके बाद फिर 2020 का चुनाव आएगा तब देखेंगे। लालू प्रसाद यादव को भी लग रहा था कि उनके दोनों बेटे सरकार में हैं, उनको प्रशासन चलाने की एक तरह से ट्रेनिंग मिल रही है, नीतीश कुमार जैसे अच्छे प्रशासन के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनको आगे के लिए, उनके भविष्य की राजनीति के लिए ये अच्छी बात होगी। लेकिन स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। लालू प्रसाद यादव का जिस तरह से इंटरफेरेंस था एडमिनिस्ट्रेशन में, सीधे SP को, DIG को, IG को फोन कर देना, दूसरे विभागों में फोन कर देना, लेकिन वो छोटे इरिटेंट थे जिनको इग्नोर कर रहे थे नीतीश कुमार। वो जानते थे कि इस गठबंधन में रहने के लिए उनको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फर्क शुरू हुआ शायद 11 सितंबर 2016 की बात है। 11 सितंबर 2016 को भागलपुर की जेल से सैयद शहाबुद्दीन बाहुबली गैंगस्टर जेल से रिहा हुए और जेल से जब वो निकले तो 500,000, 1,500, 2,000 कितनी गाड़ियों का काफिला था ये केवल अनुमान है, बहुत लंबा काफिला था और वो हर बैरियर को बिना कोई किसी रोक टोक के पार करते चले गए। वहाँ किसी बिहार पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि किसी शहाबुद्दीन को छोड़िए उनके पीछे चलने वाली 500वीं गाड़ी को भी रोक दे, ये हिम्मत नहीं थी। तो वो नज़ारा देखा जो सुशासन बाबू की छवि थी नीतीश कुमार की, उसको एक झटका लगा। ये खबर पूरे देश के अखबारों में छपी, टीवी चैनल्स में चली, लेकिन बात उसकी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उससे बड़ी बात ये हुई कि जब शहाबुद्दीन बाहर आ गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के लोगों से बात करने लगे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको अपना नेता नहीं मानता, मेरे नेता लालू प्रसाद यादव है, मेरी पार्टी RJD है। अब ये बड़ा जो है एक बड़ा संकेत था। शहाबुद्दीन ने बयान दिया, RJD की तरफ से किसी ने एतराज नहीं किया, उस बयान को बदलवाने की कोई कोशिश नहीं हुई, तो एक तरह से नीतीश कुमार को संदेश दे दिया गया था। अच्छा, अब यहीं तक बात रहती तो शायद गनीमत होती। फिर ये ऐसी खबरें आने लगी कि शहाबुद्दीन कोशिश कर रहे हैं कुछ और RJD नेताओं के साथ मिलकर JDU को तोड़ने की, कि RJD की अपनी सरकार बन जाए। उस विधानसभा में RJD के 80 सदस्य थे, 243 सदस्यों की विधानसभा में 122 का बहुमत होता है,
80 आरजेडी के थे, 27 कांग्रेस के थे, इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज के इंडिपेंडेंट मिला के 8-10 सीटों की, 12 सीटों की और कमी रह जाती थी। तो इसलिए जेडीयू से इतने लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं था अगर लालू यादव और शहाबुद्दीन और दूसरे लोग लग जाते। तो एक डर, एक आशंका नीतीश कुमार के मन में ये डाल दी गई कि भाई आप कंट्रोल में रहिए वरना आपकी पार्टी टूट सकती है और आप सत्ता से बाहर हो सकते हैं। फिर इसके आगे घटनाक्रम ये हुआ कि राबड़ी देवी ने और आरजेडी, उसके बाद आरजेडी के कुछ विधायकों ने ये बयान देना शुरू किया जगह जगह अलग अलग कार्यक्रमों में कि अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, पुराने लोगों ने बहुत समय तक राज कर लिया। ये सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला था कि भाई अब आपका समय हो गया, नए लोगों के लिए जगह खाली कीजिए। तो नीतीश कुमार की असहजता जो है वो बढ़ती जा रही थी, उनका 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 अनीस जो है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन करें क्या, उनके पास कोई विकल्प तो था नहीं। इसी बीच में लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। झारखंड हाई कोर्ट ने एक केस को छोड़कर बाकी केस बंद करने का आदेश दे दिया था। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये कहा कि जो 4-5 केस उनके खिलाफ चारा घोटाले के हैं वो सब अलग अलग चलने चाहिए, उनको क्लब नहीं किया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ये चाहते थे कि इन सबको क्लब कर दिया जाए, इनको मिला दिया जाए। मिला देने का मतलब ये था कि एक ही मुकदमा चलेगा और जो सजा होगी वो एक ही मामले में होगी। अब हुआ क्या, जब अलग अलग चलने का मतलब था कि अलग अलग केस चलेगा, वो मुकदमा तो चलेगा ही, अलग अलग सजा होगी और वो सजा एक के बाद एक शुरू होगी, तो वो लंबी सजा हो जाएगी। 3-3 साल भी हुई तो 12 साल 15 साल की सजा हो जाएगी। इसलिए इसके लिए बहुत डेस्परेट थे लालू प्रसाद यादव और कुछ भी करने को तैयार थे। इसी समय जो सबसे बड़ा कदम हुआ, सबसे बड़ी बात हुई, घटना हुई जिसने नीतीश कुमार के मन में ये बिठा दिया कि अब और ज्यादा यहां नहीं चलेगा। और हुआ ये, लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले और उनके परिवार का बहुत सारा प्रबंधन देखने वाले, ये कहा जाता है आरजेडी में ऐसा, राज्यसभा के सांसद वो गए उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास एक प्रस्ताव लेकर और उनसे ये कहा कि अगर सरकार लालू प्रसाद यादव की इतनी मदद कर दे कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में ये ना कहे कि इन सब 5 केसेस अलग अलग चलें, बल्कि क्लब करने की जो मांग है लालू प्रसाद यादव की अपने वकील के जरिए, उस पर सीबीआई सहमत हो जाए, उस पर जोर न दे। और तो अगर बीजेपी से ये अपेक्षा कर रहे थे, सरकार से ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो सीबीआई के काम में दखल दे और ऐसा करे, सीबीआई को इसके लिए मजबूर करे, तो जाहिर है कि वो बदले में कुछ देने को भी तैयार थे। और आप अंदाजा लगाइए क्या देने को तैयार रहे होंगे लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव की ओर से संदेश ये था कि हमारा ये काम कर दीजिए, नीतीश कुमार को हम निपटा देंगे। कहा यह गया कि देखिए, नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है, हमारे साथ नहीं रहे, आपके साथ गए, आपके साथ भी नहीं रहे, हमारे साथ आए, हम उनको जानते हैं अच्छी तरह से, हमारा ये काम आप करवा दीजिए, नीतीश कुमार का क्या करना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मतलब साफ था कि उनको सत्ता से हटा देंगे, इसका इंतजाम उनके पास है। ये बात जो है, अब देखिए बीजेपी की का पक्ष देखिए, बीजेपी को इसी बात से, इस प्रस्ताव पर कोई खुशी नहीं हुई। बीजेपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव था। अगर आप देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, जिस तरह का अभियान चलाया, उनको निजी तौर पर मुद्दा बनाकर बीजेपी से संबंध तोड़ा, एनडीए से बाहर गए, तो अगर बदले की भावना के लिहाज से देखें तो ये सबसे अच्छा मौका था कि नीतीश कुमार को, बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लालू प्रसाद यादव निपटाने को तैयार थे। लेकिन इसकी बजाय बीजेपी ने ये संदेश जस का तस नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया, बीजेपी का इसमें क्या हित था,
दो कारण थे। बीजेपी एक तो चाहती थी कि राज्य में उसकी फिर से सरकार बन जाए, लेकिन ये छोटा कारण था। सरकार बनने नहीं बनने से उसकी राष्ट्रीय राजनीति पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला था, लेकिन ये कहना कि वो सरकार नहीं चाहती थी या सत्ता नहीं चाहती थी, ये ठीक नहीं होगा। चाहती थी, लेकिन ये छोटा कारण था। क्यों? दूसरा बड़ा कारण ये था कि नीतीश कुमार एंटी बीजेपी कैंप में, यानी पूरे विपक्ष में, राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे क्रेडिबल नेता थे। विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले खड़ा करने के लिए नीतीश कुमार से बेहतर उम्मीदवार विपक्ष के पास उस समय नहीं था। आज तो और भी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार से बेहतर नेता नहीं था। कई लोग ऐसी मांग करने लगे थे जो कांग्रेस के खैरख्वाह थे, जो विपक्ष की एकता देखना चाहते थे, जो मोदी के खिलाफ विकल्प खड़ा करना चाहते थे। उनमें से कई लोगों ने यहाँ तक सुझाव दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी और कांग्रेस का मर्जर हो जाना चाहिए और नीतीश कुमार को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। तो देखिए बात यहाँ तक, और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक, मतलब राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा थी, उसी ने उनसे एनडीए से संबंध तोड़वाया था। उनको लग रहा था कि 2014 के चुनाव के बाद हंग पार्लियामेंट आएगी, उसमें सवाल आएगा कि नेता कौन होगा तो हम स्वीकार्य हो सकते हैं। इस महत्वाकांक्षा के चलते वो बीजेपी छोड़कर गए। उनको मालूम था कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो ऐसा मौका आने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन बाहर रहेंगे तो ये मौका मिल सकता है। तो उस कैंप से नीतीश कुमार को निकालना, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार थे। और यहाँ तो स्थिति ये हो रही थी कि कोई कीमत ही नहीं देनी पड़ रही थी, सरकार भी मिल रही थी, नीतीश कुमार उस कैंप से बाहर भी आ रहे थे। तो दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई, बर्फ पिघलनी शुरू हुई। उसका पहला संकेत दिया नीतीश कुमार ने जीएसटी के बिल पर समर्थन की घोषणा करके संसद में, जिसकी कोई उस समय जरूरत नहीं थी, तब तक बिल आया नहीं था, समर्थन का इरादा जता दिया। फिर प्रधानमंत्री जब पटना गए गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव के समारोह में, तब उनकी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बीजेपी की ओर से जो ऑपरेशन चल रहा था, इसके बारे में सिर्फ दो लोगों को पता था, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। इन दोनों के जरिए ही सारा संवाद हो रहा था, बातचीत हो रही थी। फिर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी थे, नीतीश कुमार भी आए हुए थे। वहां से उनको संदेश गया कि प्रधानमंत्री मिलना चाहते। वहां से निकलकर कार्यक्रम से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास गए, वहां दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद बातचीत क्या हुई ये तो पता नहीं है किसी को, लेकिन ये बात हुई, बात बन गई, दोनों साथ आने के लिए तैयार हो गए। और नीतीश कुमार जुलाई 2017 में उन्होंने महागठबंधन तोड़ दिया। ये इस तरह के संकेत या इस तरह की चीजें तो देखने में मिल रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं। नीतीश कुमार जो है अब जिस तरह से छोड़कर जितनी तल्खी में गए हैं बीजेपी को, बीजेपी उनको लेने को तैयार नहीं होगी, वो बीजेपी के साथ शायद आने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल, मैंने जो बताया किस तरह की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, उनके लिए सरकार चलाना दिन पर दिन कठिन होता जा रहा था, तो वो तैयार हो गए। और आपको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, गवर्नर के पास गए, उसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद दोनों पार्टियों की सम्मिलित बैठक हुई, उनको नेता चुना गया और उनको फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव को छोड़ने का बड़ा कारण ये था, सरकार चलाने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो ये समझ गए थे, खासतौर से शहाबुद्दीन वाला मामला जब हुआ, राबड़ी देवी का जो बयान आने लगा, और जब तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई का केस भ्रष्टाचार का दर्ज हुआ, सीबीआई ने केस दर्ज किया, इन्होंने कोशिश की कि वो या तो सफाई दें सार्वजनिक रूप से तेजस्वी, या मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें, लालू प्रसाद दोनों के लिए तैयार नहीं हुए। तो उनको समझ में आने लगा कि अब स्थिति धीरे धीरे और खराब होती जाएगी। उसके बाद जो हुआ आपको पता है,
उनको उपाधि मिल गई आरजेडी की तरफ से और उनके विरोधियों की तरफ से पलटू राम की, कि एक बार फिर पलट गए। बीजेपी को चेतावनी दी जाने लगी कि संभल कर रहिएगा, फिर पलट सकते हैं। इन सब के बीच गठबंधन तो बन गया फिर से जेडीयू और बीजेपी का, लेकिन जब वापस लौटे हैं दोबारा नीतीश कुमार, तब तक बीजेपी बदल चुकी थी। जिस बीजेपी के साथ उनका संबंध था उससे पहले तक, वो बीजेपी अब नहीं रही थी, तो उनको समस्या यहाँ भी होने लगी और अभी भी हो रही है। तो ये तो मैंने महागठबंधन टूटने का किस्सा बताया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो संबंध है, जो साथ है, बहुत सहज नहीं है और कितने दिन चलेगा ये कहना, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद जब थोड़ा खबर पके तो फिर आपके पास लेकर आऊँगा। लेकिन आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।